हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें, जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में और एक नए स्टॉक के साथ। ये स्टॉक जिसके बारे में आज जिक्र करने वाला हूं, ये कंपनी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने अपने वर्स्ट डे से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ, इसके टेक्निकल्स लेवल्स, फंडामेंटल्स लेवल्स और आने वाले दिनों में अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहते हैं तो टारगेट्स मेरे क्या हैं ये बताऊंगा, और जो की पॉइंट्स मैं अपने लाइव वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करता हूं वो चीज़ को भी इस शेयर के में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो इसमें इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है हमारा 1203 करोड़ का, और अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का करंट प्राइस जो है वो है 408 का, अगर इसकी लो की बात करूँ तो 235 का लो है और 725 का हाई है। अगर मैं बात करूँ पीई तो पीई जो है, जैसे मैंने आपको सबको समझाया है कि 25 के नीचे की पीई जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर बुक वैल्यू की बात करूँ तो 194 की है, जो काफ़ी मानूंगा मैं कि मैनेजेबल है, और कंपनी जो है अपने 2x चल रही है तो चलो ठीक ठाक है। डिविडेंड डील जो है ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी की जो डिविडेंड डील है वो है 4.77%। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आप इस शेयर को लेकर रख सकते हैं अगले 3 से 5 और 10 सालों के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जब ये शेयर यहाँ से बहुत तेज़ी से रन दिखाए तो ये आपके पोर्टफोलियो में होने के कारण आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 20.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 16.1%, और फेस वैल्यू की बात करूँ तो 10 रुपीज़ की। अगर केयर रेटिंग की बात करूँ तो कंपनी जो है केयर रेटिंग इज एन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये कंपनी जो है रेटिंग एजेंसी है और बड़ी बड़ी कंपनियों को रेटिंग देने का काम करती है, जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। दिस कंपनी इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस अदर देन सिक्योरिटी डीलिंग एक्टिविटी, और फाइनेंशियल सर्विस देती है। अगर आप कभी भी कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियल लेती है तो वो क्रेडिट रेटिंग देखती है, और ये कंपनी वही क्रेडिट रेटिंग देती है। और अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है इतनी अच्छी है कि आने वाले दिनों में रेटिंग एजेंसियाँ जो हैं वो सिर्फ इंडिया में 3 ही हैं, और 3 होने की वजह से ये 3 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, और ये इनमें से सबसे छोटी लिस्टेड एंटिटीज़ है, और ये सबसे सस्ती लिस्टेड एंटिटीज़ है रेटिंग एजेंसी में, जिसे आप ले सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की ब्रांच की तो कंपनी जो है डेप्थ फ्री है, जो मुझे बहुत अच्छा मौका देती है आप सभी को रिकमेंड करने का, पहला रीज़न। दूसरा, उसकी पीई सही है। तीसरी अगर बात करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी की है पिछले 3 सालों में 23.44%, और अगर मैं बात करूँ डिविडेंड तो कंपनी डिविडेंड 77.93% देती है, जो काफ़ी ख़राब है। बस कंपनी की एक चीज़ बहुत ख़राब है पिछले 5 सालों में, मैं आप सभी को बता दूँ पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो ग्रोथ किया है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। पर मैं आप सभी से बता दूँ पिछले 5 सालों में इकोनॉमी जो है इंडिया की वो उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं की है, इसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी पर आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर मैं बात करूँ तो अन इंक्लूड अदर इनकम जो कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो काफ़ी बढ़िया डिक्लेयर किया है, पर उसमें 32.07 जो है अदर दूसरे इनकम को जोड़कर कंपनी ने रिजल्ट को डिलीवर किया है। अब अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात देखिए कि इसके जो सेक्टर्स हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और मिसलिनियस है, और इसमें 3 कंपनियां हैं। पहली क्रिसिल की पी देख लीजिए 42.63% टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं बात करूँ इकरा की तो इकरा 27.80 पे ट्रेड कर रहा है, और ये शेयर जो है काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बाकी सारे पैरामीटर्स पर ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कर रही है।
और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो है पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 72 करोड़ का सेल्स किया था, इस साल कंपनी ने 76 करोड़ का सेल्स किया है जो इंक्रीज है 6% का। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो OPM है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, तो इस शेयर का सबसे ज़्यादा OPM आया था सितंबर 2018 में जो 63% था, उसके बाद उतना OPM जो है कंपनी जो है उतने OPM कभी भी क्लॉक नहीं कर पाए, पर मुझे लग रहा है कि इसकी बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है। और पिछली साल सितंबर में कंपनी ने 51% का OPM क्लॉक किया था जो इस साल बढ़कर हो चुका है 55.55% का, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पर अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट क्लॉक किया था पिछले साल वो 36 करोड़ का किया था और इस साल जो है 35 करोड़ का किया था, जो मैं कहूँगा कि जैसे ही इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करेगी, ये कंपनी भी है बहुत अच्छे, क्योंकि कंपनी पे डेप्थ नहीं है, इसकी वजह से ये कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म आने वाले समय में कर सकती है। तो मैं अपने हर इन्वेस्टर का कहूँगा कि ये सब देखकर आपको ये स्टॉक को खरीद लेना चाहिए विद अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं खरीदने से पहले। अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है, अगर आपको मैं बता दूं तो कंपनी का जो TTM है उसमें जो सेल्स आता है वो 235 करोड़ का आता है और मार्केट कैप जो है वो 1200 करोड़ का है। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर मैं सेल्स को देखूं तो कंपनी की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से ये कंपनी जो है वैल्यूड है। और अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से ये कंपनी जो है काफ़ी सस्ती है, पर अगर मैं इसके पीयर से इसकी कंपैरिजन करूँ तो ये कंपनी जो है वह काफ़ी अच्छा कर रही है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कर सकती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ OPM के मामले में, तो OPM में जो कंपनी, देखिए कंपनी के बैलेंस, कंपनी जो है इतने ऊपर से क्रैश ये कंपनी क्यों की, तो उसकी पीछे की वजह थी कंपनी का जो OPM था, देखिए 2017 में 63% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, फिर 63% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, फिर 55 का हुआ, फिर 33 का हो गया। इसकी वजह से कंपनी जो है अपने ऊपर हाई के लेवल से सीधे क्रैश कर गई, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दिन पे दिन कम होता चला गया, इस वजह से कंपनी जो है वो स्ट्रगल कर रही है। आगे अगर बात करें तो कंपनी का ये जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कंपनी पिछले 5 सालों से जो है हर जगह सेल्स में माइनस वन की ग्रोथ, पिछले 3 सालों में -5% की ग्रोथ और पिछले 1 सालों में -17% की ग्रोथ। और अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो ये -5, -5, -6 की ग्रोथ प्रॉफिट में, पिछले 3 सालों में 16 की ग्रोथ और -33 की ग्रोथ है जो पिछले 1 सालों में। CAGR में भी कंपनी का एक ही चीज़ अच्छा है, ना इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ना कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, ना स्टॉक प्राइस CAGR अच्छा है। कंपनी का एक ही चीज़ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो 26% की है और पिछले 3 सालों में 23% की है, और लास्ट ईयर कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16% की कमाई थी, क्योंकि इस कंपनी पे कोई डेट नहीं है, इसकी वजह से आसानी से अपने इक्विटी पर ये कंपनी जो है वो रिटर्न क्लॉक कर पाती है। अब अगर बात करूँ तो यहाँ एक सिंपल सा चीज़ है, देखिए मैंने आपको बोला कि ये कंपनी में कोई डेप्थ नहीं है, और एक मेन वजह है कि आपको ध्यान देना चाहिए 480 करोड़ का रिजर्व है और 0 करोड़ का प्रॉफिट है और सॉरी बोरिंग है। और अगर मैं बात करूँ सितंबर तक तो 543 करोड़ का जो है कंपनी के पास रिजर्व है और 0 करोड़ का बोरिंग है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि कंपनी की रिजर्व जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी में जो है FII हैं, DII हैं, पब्लिक हैं, और देखिए ध्यान से ये कंपनी गिरी क्यों, तो उसके पीछे की वजह है कि FII इसमें पहले 43% थे जो घटते, देखिए दिसंबर 2017 में 43.55% थे जो घटकर हो गए हैं 27.65। और अगर मैं DII की बात करूँ तो DII ने अपनी पोजिशन बढ़ाना शुरू किया है और 24% से पिछले 3 सालों में कंपनी DII ने इसमें अपनी 3% होल्डिंग बढ़ा ली है, और इसी कारणवश मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, कर रहा हूँ, क्योंकि एक शेयर जो है अपने पीयर्स के अनुपात में, मतलब कि प्रोपोर्शनेटली काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है, और अगर नीचे जाए तो आप इस शेयर को आराम से खरीदें
और अपने पोर्टफोलियो में रख दें अगले 3, 5, 10 सालों के लिए, ये शेयर जो है आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। पर एक चीज़ बहुत ख़राब लग रही है, पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, पर पिछले एक क्वार्टर में पब्लिक के पास होल्डिंग वो 47% होती थी वो कम हो गई है और DII ने इसमें अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस स्टॉक में खींच रहा हूँ कि आपको भी हर करेक्शन में इस शेयर को खरीद लेना चाहिए। ये शेयर आने वाले 18 से 24 महीने में आपको बहुत अच्छा डिसेंट रिटर्न दे सकता है। अब अगर मैं बात करूँ तो केयर रेटिंग को, आपको जैसे कि मेरे वीडियो में आपको पता है कि मेरे वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या है, तो मेरे वीडियो की सबसे अच्छी बात है कि इस स्टॉक में आपको खरीदना कब है, नीचे में आपको एक्यूमुलेशन कहाँ करना है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ, इस शेयर में इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 391 का। इसका करंट मार्केट आज की क्लोजिंग जो है वो 391 है, पर आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। अगर 377 तोड़ता है तो मैं आपको कहूँगा, ज़रूर कहूँगा कि ये नीचे में जाए तो स्टॉक को नीचे में एक्यूमुलेट करें, क्योंकि इस कंपनी पे कोई डेप नहीं है, आज नहीं तो कल ये कंपनी जो है रिवाइव कर जाएगी। और अगर मैं एक्यूमुलेशन जोन बोलूँ नीचे तोड़ने के बाद, तो ये आपका जो एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए, एक्यूमुलेशन जोन होने चाहिए वो होना चाहिए 329, फिर 299, 251 और 204 तक आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और धीमे धीमे आप इस शेयर में एक्यूमुलेट करते चले जाएं। पर मेरे इस वीडियो की सबसे अच्छी बात, आने वाले 18 से 24 महीने में इस शेयर पे मेरे क्या टारगेट हैं, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो अगर मैं इस शेयर की बात करूं तो इसमें आपका जो टारगेट हो सकता है, पहला टारगेट हो सकता है 425 का, फिर अगर ये सस्टेन करता है तो 455 का, फिर अगर ये सस्टेन करता है तो 502 का, फिर इसको सस्टेन करता है तो 581 का, और फिर उसको भी सस्टेन करता है तो 608 का, और फिर इस शेयर को अगर ये 618 को पार कर जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 806 और 990 के टारगेट अगले 18 से 24 महीने में स्टॉक में मैं देख रहा हूं। तो मैं अपने हर इन्वेस्टर से कहूंगा कि अगर आपको कभी भी स्टॉक में मौका मिले इसे नीचे में खरीदने का तो इसे ज़रूर खरीदें, और लॉन्ग टर्म की सोचें। ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता है अपने पेयर्स के मुकाबले, और ये स्टॉक जो है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहते हैं तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। अगर आपको केयर रेटिंग की जुड़ी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। समय समय पर मैं ऐसी जानकारियाँ, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।